नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। सर्दियों के मौसम में फूल गोभी का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है। फूल गोभी में फाइबर, कार्ब्स और कैलोरी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा फूल गोभी में कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। साथ ही फूल गोभी स्वाद में भी काफी अच्छी होती है, इसलिए अधिकतर लोग फूल गोभी को अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फूलगोभी खाने से शरीर को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? फूलगोभी खाने से पेट में दर्द, पेट में ऐंठन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा फूलगोभी पेट में गैस बनाने का कारण भी बन सकती है। आपको बता दें कि ब्रोकली के साथ ही फूलगोभी भी पेट में गैस बनाती है, इसलिए आपको फूलगोभी का सेवन अधिक मात्रा में करने से बचना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में फूल गोभी खाने से गैस बनती है, या फिर फूल गोभी खाने से गैस क्यों बनती है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या फूल गोभी खाने से सच में गैस बनती है या नहीं। क्या फूल गोभी खाने से गैस बनती है? जी हाँ, फूल गोभी खाने से पेट में गैस बन सकती है। आपको बता दें कि फूल गोभी में फाइबर, GI अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए फूल गोभी खाने से पेट में गैस बन सकती है। कुछ लोग फूलगोभी खाने के बाद पेट में सूजन की शिकायत भी कर सकते हैं। 100 ग्राम फूलगोभी में लगभग 2.3 ग्राम फाइबर होता है। इसके साथ ही इसमें 23 कैलोरी, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट भी होता है। आपको बहुत अधिक मात्रा में फूलगोभी खाने से बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको गैस ना बने, तो इसे अच्छी तरह से पका कर खाएं। फूलगोभी गैस क्यों बनाती है? फूलगोभी में फाइबर अधिक होता है, ऐसे अगर आप अधिक फाइबर खाएंगे तो आपको गैस बन सकती है। कई लोगों को लग रहा होगा कि अगर फूलगोभी खाने से गैस बनती है तो क्या इसे खाना बंद कर देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फूलगोभी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में ही फूलगोभी का सेवन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।